15 अप्रैल 1912 को इतिहास के सबसे दुखद और प्रसिद्ध समुद्री आपदाओं में से एक वह है आरएमएस टाइटैनिक का डूब जाना, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। लेकिन कभी न डूबने वाला जहाज कैसे अपने अंत तक पहुंचा? टाइटैनिक 20वीं सदी की शुरुआत की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसे इसके अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स के कारण कभी न डूबने वाला जहाज माना गया। आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की अपनी पहली यात्रा पर था। इसे अनसिंकेबल जहाज के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन उत्तरी अटलांटिक के ठंडे अंधेरे पानी में आपदा आ गई। कभी न डूबने वाला जहाज अपने अंत तक पहुंच गया और 1500 से अधिक लोग मारे गए। ऐसा कैसे हुआ? आइए इस दुर्घटनापूर्ण यात्रा की पूरी कहानी जानते हैं, उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इसके डूबने का कारण बना दिया। ये है टाइटैनिक के डूबने की कहानी। 20वीं सदी की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल ग्लोबल कनेक्टिविटी को क्रांतिकारी बना रही थी। हाई कंपटीशन के बीच व्हाइट स्टार लाइन ने सबसे बड़ा और सबसे शानदार ओशियन लाइनर बनाने का लक्ष्य रखा, वह था आरएमएस टाइटैनिक। 1909 में बेलफास्ट के हार्लैंड और वोल्फ में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। नेवल आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू द्वारा डिजाइन किए गए जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट और दूर से संचालित वाटर टाइट दरवाजे सहित उन्नत सुरक्षाएं सुविधाएं थी। 882 फीट लंबा और 46,000 टन वजनी टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। टाइटैनिक न केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि थी बल्कि विलासिता का प्रतीक भी था। इसमें शानदार प्रथम श्रेणी की सुविधाएं थी, जिसमें बेहतरीन भोजन, एक स्विमिंग पूल और स्क्वाश कोर्ट भी शामिल था। जहाज की भव्यता ने इस युग के सबसे धनी और सबसे प्रमुख लोगों को आकर्षित किया। अनसिंकेबल जहाज के रूप में माना जाने वाला टाइटैनिक की प्रतिष्ठा इसके अत्याधुनिक डिजाइन के कारण जनता मोहित हो गई थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की अपनी पहली यात्रा शुरू की। माहौल काफी जोशीला था, हजारों लोग इस शानदार जहाज और 2224 यात्रियों और चालक दल को अलविदा कहने आए थे। टाइटैनिक ने आयरलैंड के क्वींस टाउन में अपने अंतिम पड़ाव से पहले अधिक यात्रियों को लेने के लिए फ्रांस के चेरबर्ग में एक फाइनल स्टॉप लिया। उन लोगों में कुछ सबसे धनी और प्रभावशाली लोग भी शामिल थे, जो जहाज के आकर्षण को और बढ़ा रहे थे। टाइटैनिक पर जीवन विलासिता और आराम का मिश्रण था। यात्री बेहतरीन भोजन का आनंद लेते थे, विशाल डेक पर घूमते थे और जहाज के शानदार अंदरूनी हिस्सों को देखते थे। यह यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत की शान और सभ्यता का प्रतीक था। जैसे ही टाइटैनिक विशाल अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया, यह उत्साह और आशावाद हवा से भर गया। कोई नहीं जानता था कि यह यात्रा जल्द ही दुखद मोड़ ले लेगी और टाइटैनिक को इतिहास के किताबों में अमर कर देगी। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के माध्यम से एक साफ और तारों से भरे आकाश के नीचे घूम रहा था। तापमान लगभग शून्य के पास गिर गया था और महासागर अजीब तरह से शांत था। रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के रास्ते में एक आइसबर्ग देखा। उन्होंने चेतावनी घंटी बजाई और बीच को कॉल किया और चिल्लाते हुए कहा, आइसबर्ग ठीक हमारे सामने है। प्रथम अधिकारी विलियम ने जहाज को स्टारबोर्ड की ओर मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया। उनके प्रयासों के बावजूद टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से रगड़ खा गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। टकराव से समुद्र के लिए कई कंपार्टमेंट खोल दिए, जिससे पानी का एक अनियंत्रित प्रवाह शुरू हो गया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने जल्द ही नुकसान की सीमा को महसूस कर लिया। पानी जहाज के 5 आगे के कंपार्टमेंट में बाढ़ ला रहा था। एंड्रयूज ने गंभीरता से भविष्यवाणी की कि जहाज कुछ घंटों के भीतर डूब जाएगा। कठिन वास्तविकता को समझते हुए कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट तैयार करने और SOS सिग्नल भेजने का आदेश दिया। चालक दल ने यात्रियों को जगाना शुरू किया और उन्हें लाइफ जैकेट पहनने और बोर्ड डेक की ओर जाने का निर्देश दिया। जैसे जैसे घबराहट बढ़ती गई, स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती गई। स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए डेक पर अराजकता फैल गई। कई लाइफ बोट को भ्रम और अविश्वास के कारण आंशिक रूप से भरा हुआ ही उतार दिया जा रहा था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को लाइफ बोट तक पहुंचने में आसानी थी, जबकि कई तीसरी श्रेणी के यात्रियों को बोट डेक तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। टाइटैनिक के नाक में पानी भरता रहा, जिससे जहाज और झुक गया। एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरता गया और जहाज के बुल्क हेड को प्रभावित कर दिया, जो पानी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे नाक और गहराई में डूबती गई, पिछला हिस्सा पानी से बाहर उठने लगा, जिससे जहाज का कोण बढ़ता गया। अराजकता के बीच वीरता की कहानियां भी सामने आई। जहाज का बैंड यात्रियों को शांत करने के लिए बजाता रहा, जबकि इंजीनियर्स ने बिजली बनाए रखने के लिए नीचे बने रहे। चालक दल और यात्रियों ने लाइफ बोट्स में
एक दूसरे की मदद की, भले ही स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। लगभग 2:15 पर जहाज के तनाव ने अपनी सीमा पार कर दी। टाइटैनिक टूट गया और समुद्र के गहराई में समा गया। सैकड़ों यात्री जहाज से चिपके रहे या ठंडे पानी में कूद गए। उनकी चीखें रात भर गूंजती रही। परिणाम दिल दहला देने वाला था। अंधेरे बर्फीले पानी में फैले लाइफ बोट में ठंड से कांपते हुए जीवित बचे लोग थे। पानी में मौजूद लोग लगभग तुरंत ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और जीवित रहने में असमर्थ रहे। मदद की चीखें धीरे धीरे शांत हो गई, जो एक विनाशकारी रात का अंत था। 15 अप्रैल 1912 की शुरुआती घंटों में आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक के SOS सिग्नल का जवाब देते हुए आपदा के दृश्य पर पहुंची। चालक दल ने बर्फीले पानी में बिखरे लाइफ बोट से बचे लोगों को बचाने का कठिन काम शुरू किया। कार्पेथिया का चालक दल बचे लोगों को बोट पर लाने के लिए कड़ी परिश्रम कर रहा था। उन्हें कंबल, भोजन और चिकित्सक देखभाल प्रदान कर रहा था। उनके प्रयासों के बावजूद दृश्य बहुत दुखद थे। कई लोग सदमे में थे और अपने प्रियजनों की मौत का शोक मना रहे थे। जीवित बचे लोग रात की भयानक कहानियां सुनाई, जिसमें डूबने की अराजकता से लेकर लाइफ बोट में ठंड के मौसम में इंतजार करना शामिल था। हर कहानी मानवीय सहन शक्ति और जीवित रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। सभी जीवित बचे लोगों को सुरक्षित रूप से जहाज पर बिठाकर कार्पेथिया ने न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही आपदा की खबर फैली, दुनिया ने सदमे और शोक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। न्यूयॉर्क पहुंचने पर लोगों की भीड़ और मीडिया ने तबाही की खबर सुनने के लिए उत्सुकता दिखाई। टाइटैनिक दुर्घटना का समुद्री सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस त्रासदी के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट तथा जहाज की डिजाइन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सुधार। टाइटैनिक की विरासत कई स्मारकों और सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से जीवित है। म्यूजियम और स्मारकों से लेकर किताबों और फिल्मों तक टाइटैनिक की कहानियां हमें रोमांचित करती हैं और हमें इस आपदा का मानवीय कीमत की याद दिलाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान की वृद्धि हुई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।